हाँ जी बताइए, आज किन से किनका उर्स है? और ये आज हमारे हर साल की भांति की तरह सैयद अली पीर बाबा पंचशील वाले का सालाना उर्स भरा जाता है। ये रजब का महीना की तारीख 17 तारीख को ये सालाना हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के बाद ये हमारा उर्स होता है। ये उर्स हमारे पूर्वज और दादा परदादाओं के टाइम से चलता आ रहा है। अच्छा, ये जो पंचशील नहीं बसी उससे पहले हमारे पूर्वजों का मजार है, सैयद अली पीर बाबा पंचशील वाले उनका मजार है। उस तरह सभी अमन चैन की दुआ और चादर पेश करके हर वर्ग के लोग और हर तबके के हर जाति के लोग यहाँ आते हैं, अपनी चैन और अमन की दुआ मांगते हैं और मगफिरत के लिए चादर और फूल पेश करते हैं। और हर साल की तरह हमारा गाँव चौरसी आवास राती डांग सबका सहयोग होके जो आज हमारे चौरसी आवास की ये सारी गांव की जो आम जनता है ये आती है और यहाँ बाबा का प्रसाद लेकर और सब यहाँ अमन चैन की दुआ मांग के ये रोज एक दिन का उर्स होता है। ये हर साल में लंगर भी होता है तकसीम यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ प्योर वेज हम बिरयानी बनाते हैं और हर साल की तरह आलू की ताड़ी बोलते हैं जिसको, और ये हर साल की तरह हम इसी रजब के महीने में ये हमारा बाबा का उर्स संपन्न होता है। आपका नाम? मेरा मुश्ताक अली चीता, ग्राम चौरसी आवास। आपका नाम? हसन खान। अलादीन खान। कब से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं आप यहाँ पे इस काम में? मेरे को आज 16 से 17 18 साल हो गई। मेरे बड़े पिताजी दादाजी सब हर साल की तरह जैसे उनके टाइम में जब उन्होंने उर्स को चालू करा उसके बाद जैसे जैसे पीढ़ियाँ चलती गई और जैसे जैसे हम इसको बरकरार रख रहे हैं आज भी, और हमारे जाने के बाद अगले हमारी पीढ़ियाँ भी इसमें सालाना उर्स ये हर साल रजब के महीने की 17 तारीख को भराएगी और उनसे फेस याद पाएंगे, मतलब लोग बाग फेस पाते हैं। जी इसमें ये होती है कि जैसे आज इस जमुना गंगा तहजीब को जो आज हर वर्ग के आदमी जो यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से हम आज इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वर्ग के तबके के लोग आते हैं और यहाँ अपने फूल चादर पेश करके और अजमेर शहर में अमन चैन की दुआ कायम के लिए दुआ मांगते हैं।